भगवानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि देर रात से दोपहर तक उस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग कैसे लगी अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस आग की चपेट में कई गोदाम आ गए हैं। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी के गोदाम में लगी भयंकर आग की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और मौके पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। बीती रात लगभग 2 बजे थर्माकोल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के गोदाम में भयंकर आग लग गई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। आग की लपटें लगातार बढ़ रही थी। एसडीएम भगवानपुर का कहना है कि 85% आग पर काबू पा लिया गया है और अभी जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे 2 कंपनियों के वेयरहाउस और 1 कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट है। लगभग 3 बजे रात्रि को आग की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात हमारे लगभग फायर टेंडर 10 अरेंज किए गए और लगभग 80% आग पर काबू पा लिया गया है। जनहानि कोई भी नहीं हुई है अभी तक और सभी चारों तरफ से हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ऐसी जो भी असुरक्षित जगह है वो सब खाली करा दी गई हैं। बाकी इनका जो भी केमिकल और ये सब रखा हुआ है वो भी हम लोग खाली करवा दिया है सर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।